प्यारे बच्चों आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस रोजावाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे मोल फ्रैक्शन पर पहले, फिर मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल करने के बाद अदर इम्पोर्टेंट टर्म जैसे पीपीएम फॉर्मेलिटी इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है इफ 92 ग्राम इथाइल एल्कोहल 8 ग्राम मिथाइल एल्कोहल एंड 27 ग्राम H2O आर मिक्स्ड, यानी कि 92 ग्राम इथाइल एल्कोहल 8 ग्राम मिथाइल एल्कोहल और 27 ग्राम पानी को मिलाया गया। तो कह रहा है जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें मोल फ्रैक्शन बताओ किसका, ईच कंपोनेंट का, यानी कि कंपोनेंट कौन कौन है, इथाइल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल और पानी, तीनों का आपको मोल फ्रैक्शन बताना है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये देखें पहले जरा दिखाई दे रहा है प्रॉपर, अब आंसर समझे। देखो बेटा सबसे पहले आप मोल फ्रैक्शन के लिए क्या बनाइए, मोल। तो मोल अगर आपको इथाइल एल्कोहल के बनाने हैं NC2H5OH, मोल का मतलब मास ओवर मॉलिकुलर मास, इसका मास कितना है 92, मॉलिकुलर मास निकालिए जरा C2H5OH, दो कार्बन का 12 × 2, हाइड्रोजन 5 का 5 × 1, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सॉल्व करिए 46, तो इसका मॉलिकुलर मास आया 46, सही है। तो इसके मोल हो गए मास ओवर मॉलिकुलर मास, मास 92 क्वेश्चन में गिवन है, मॉलिकुलर मास 46 ये रहा, तो इसके मोल हो गए 2, तो यहां पे 2 हो गए इसके मोल। अब आप मोल बनाइए मिथाइल एल्कोहल के NCH3OH, मास ओवर मॉलिकुलर मास, मास कितना है 8 ग्राम, मॉलिकुलर मास और बनाओ CH3OH, C का मतलब 12, 3H का मतलब 3, O का मतलब 16, H का मतलब 1, टोटल ऐड करो 12 और 3 15 और 16 31 और 1 32, तो मास ओवर क्या लिखना है मॉलिकुलर मास, क्या लिखना है मॉलिकुलर मास, तो 8 ओवर 32 दैट इज 1/4 दैट इज 0.25, तो इसके मोल हो गए 0.25। अब आपको किसके मोल बनाने हैं, पानी के, किसके मोल बनाने हैं पानी के, तो पानी के लिए लिखिए NH2O, पानी का मास कितना है 27, पानी का मॉलिकुलर मास 18 होता है, कैसे होता है मालूम है या करके दिखाऊं, करो H2O है 2H का 2 O का 16 टोटल 18, तो 27/18 1.5। तो आपने देखा मैंने तीनों कंपोनेंट के मोल निकाल दिए, इसके मोल आए 2, इसके मोल आए 0.25 और पानी के मोल आए 1.5, तो पहले तीनों कंपोनेंट के मोल निकाल लिए मैंने। अब आप इतना लिख लो फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं, नोट करिए जल्दी से, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसको मिटाल रहे हैं, अब बताओ तीनों के मोल निकल आए आपके, है ना, तो इथाइल एल्कोहल के मोल कितने हैं, आंसर 2, मिथाइल एल्कोहल के मोल कितने हैं, आंसर 0.25, पानी के मोल कितने हैं, पानी के मोल हैं 1.5। ठीक, अब ये सारे की कोई जरूरत नहीं है, सब मिटाल सकते हैं अपन, जगह क्रिएट कर ले रहे हैं, ये सबके मोल निकल आए। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, पहले किसका निकालना है, इथाइल एल्कोहल का, तो लिखेंगे XC2H5OH, X का मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब अपने मोल यानी इथाइल एल्कोहल के मोल ओवर टोटल मोल, टोटल मोल का मतलब इथाइल एल्कोहल के मोल प्लस मिथाइल एल्कोहल के मोल प्लस पानी के मोल, तो इथाइल एल्कोहल के मोल कितने हैं 2, बाकी सबके कितने हो गए 2 प्लस 0.25 प्लस 1.5, सबको ऐड करिए तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया आपका 3.75,
तो 2/3.75 ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, इथाइल एल्कोहल का। अभी बच्चा कहेगा इथाइल एल्कोहल का तो निकल आया सर, बहुत अच्छी बात है, अब आप निकालिए मिथाइल एल्कोहल का, निकालिए HCH3OH, इसका मतलब मोल CH3OH के ओवर सबके मोल, सबके मोल का मतलब इथाइल एल्कोहल प्लस मिथाइल एल्कोहल प्लस पानी के मोल, अपने ओवर सबके करते हैं, खुद के मोल इसके कितने हैं 0.25 और इन सबके मोल कितने हैं, आंसर ऊपर जैसे ऐड होके आ जाएगा, ये भी ये और ये सी भी तो लिखा है, तो कितना आ जाएगा 3.75। तो इस तरीके से ये मोल फ्रैक्शन निकल आया किसका, मिथाइल एल्कोहल का, सही है, मोल फ्रैक्शन इथाइल एल्कोहल का निकल आया और किसका निकल आया, मिथाइल एल्कोहल का। अब किसका निकालना रह गया है, पानी का, तो इसको जगह को और बना देते हैं, यहां से मिटाल दे रहे हैं, डेटा की जरूरत नहीं है, एक्स वाटर, इसके लिए लिखेंगे मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस मोल ऑफ मिथाइल एल्कोहल CH3OH प्लस मोल ऑफ वाटर H2O, ठीक है। चलो भाई कितने हैं इसके मोल पानी के, 1.5 और इन सबके मोल मिलाकर कितने हैं 3.75। तो इस तरीके से तीन आंसर हो गए, XH2O का आंसर ये निकल आया, तो अब तीन आंसर आपके आ गए पूरे, तो मोल फ्रैक्शन कितने कितने आ गए बोलो, जरा नोट कर लो कितना कितना आया बोलो, ये सारे आंसर यहां पे लिख ले रहे हैं, XH2O की वैल्यू 1.5/3.75, X इथाइल एल्कोहल की वैल्यू कितनी आई बोलो, इसकी थी 2/3.75 और एक कंपोनेंट और रह गया आपका, कौन सा, मिथाइल एल्कोहल, ये रहा HCH3OH, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.25/3.75। अब इसे ये आंसर हो गए, तीनों चीजों के मोल फ्रैक्शन निकल आए हैं। आपने देखा इस क्वेश्चन में हमने मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और पानी तीन कंपोनेंट को मिलाया था और मिलाकर एक मिक्सचर बनाया था, और जो मिक्सचर बनाया है हमें उसमें हर कंपोनेंट का क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन। तो मैंने तीनों के मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाए हैं आपको, उम्मीद है इस ये न्यूमेरिकल आपको अल्ट्रा क्लियर हुआ होगा और मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर वेट करते हैं, थैंक यू।